कोविड की? आप देखिए, कोविड के बारे में जो हम बात करेंगे, कोविड का यही है कि तीसरी वेव को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को जो करना है वो हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट वेव से आपने देखा उसको मैनेज किया, उसके बाद सेकंड वेव को हमने बेहतरीन मैनेज किया। इवन थ्रू आउट आवर कंट्रीज हर जगह से अच्छे से मैनेज हुआ, कोई ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रही, कोई बेड की किल्लत नहीं रही, कोई मेडिसिन की किल्लत नहीं रही। और थर्ड वेव के लिए भी प्रेपरेशन गवर्नमेंट की जारी है, लेकिन लोगों से ये गुजारिश है, आप देखिए पिछले एक दो हफ्ते से कुछ केसेस बढ़ने लगे थे, वो इसकी वजह से कि कहीं मैरिज सेरेमनीज होती है, कहीं गैदरिंग्स होती है, उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी गैदरिंग हो SOPs का पालन करें। कुछ आप लोगों ने लॉकडाउन भी लगाए थे, तो उसके हवाले से थोड़ा सा देखिए, अगर देखिए परमानेंट लॉकडाउन अगर हम सारा बंद करें वो कोई सलूशन नहीं है, हमें जीना भी है और कोविड से लड़ना भी है। इसके लिए यही बेहतर रहेगा प्रिवेंशन, अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया तो इंशाल्लाह हम तीसरी वेव को आने से पहले ही हरा देंगे। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन, आपने देखा है जैसे अभी हमारे वर्दी CS साहब कह रहे थे 1 करोड़ से ज़्यादा इंजेक्शन लगे, 1 करोड़ से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हुई, किसी को कोई कम्प्लिकेशन नहीं हुई, माइनर से माइनर या मेजर से मेजर। जो मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं वो गलत है, लोग आए वैक्सीन करें, SOPs का पालन करें। खासकर आज डिपार्टमेंट से ऑफिसेज है या ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर साहिबान है, कंडक्टर्स है, वो लोगों को आने दें, ट्रैवल करें, लेकिन SOPs के साथ, मास्क के बगैर किसी को अंदर आने ना दें, और गैदरिंग्स में SOP का ख्याल रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।